गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं तो आपका दोस्त और होस्ट प्रकाश तिवारी। अभी जैसे आप देख सकते हैं सुबह के 10 बज चुके हैं और हम लोग फ्रेश होके अभी निकल चुके हैं यहीं अमृतसर में हमारे रेस्ट हाउस से रेलवे के, और अब हम जाएंगे अटारी बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, पाकिस्तान हिंदुस्तान बॉर्डर, फिर वहीं आपसे मिलेंगे। आगे का क्या समाचार है हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों हम अभी बस में बैठे हैं और बस से हम अटारी बॉर्डर पाकिस्तान हिंदुस्तान की अटारी बॉर्डर कुछ इस तरीके से रोड है अमृतसर की, आप देख सकते हैं। और ये बस चली जा रही है बहुत ही स्पीड में और आप देख सकते हैं कुछ ऐसा बस में से नज़ारा है कुछ इस तरीके से। आप यहाँ से 32-35 किलोमीटर है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, हम बॉर्डर पे ही जा रहे हैं अभी। आप देख सकते हैं कैसा बना हुआ है पूरा, और ये जो आप देख रहे हैं ये बस का लाइन है। यहाँ बीच में आके बस रुकती है, बस स्टेशन है ये। आप यहाँ से बस पकड़ सकते हैं और यहीं बस छोड़ सकते हैं, बस स्टेशन है। और ये सामने विशाल मेगा मार्ट है, सुपर शॉप कुछ इस तरीके से। ये सामने आपको जो दिख रहा है वो बस स्टेशन है, येल्लो बस स्टेशन, वहाँ से आप बस ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं आर्मी कैंप भी है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ये आर्मी कैंप है पूरा, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। आइए यहाँ इंडिया अमृतसर, इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर घूमिए, बहुत ही मज़ा आती है, बहुत आनंद आता है। जैसे कि मैं देख रहे हैं आप, मैं यहीं घूम रहा हूँ और बाहर का नज़ारा भी ले रहा हूँ खिड़की से, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ। और बस हल रही है, बस हलने के कारण वीडियो वाइब्रेट हो रहा होगा, आप देख रहे होंगे, इसीलिए थोड़ा सा टेंशन ना लें और वीडियो ऐसे ही देखते रहें। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और फ्रेंड फैमिली में। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पूरा आर्मी कैंप है, देवगिरी का मिलिट्री का आर्मी कैंप है, इंडियन आर्मी का कैंप है पूरा देवगिरी कैंप। बस अभी कुछ देर में हम पाकिस्तान में एंट्री हो जाएंगे, हम पाकिस्तान बॉर्डर पर आ जाएंगे और आपको फिर पाकिस्तान का नज़ारा भी दिखाएंगे वहाँ से। ये एक गुरुद्वारा है। ये जो बस दिख रही है आपको, हम इसी बस से आए हैं अभी, ये बस से, और अभी हम उतर गए हैं यहाँ पर अटारी बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर पर। और यहाँ से रिक्शा भी मिलता है आपको जाने के लिए, जो कि साइकिल रिक्शा है बॉर्डर तक। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का साइकिल रिक्शा है, और जो इस बस से हम आए थे वो बस भी निकल गई है। और बिल्कुल ऐसा ही ये जो आपको दिख रहा है ये बॉर्डर है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, अटारी बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान का, और यहीं सब हम जाएंगे। और ये है आपका बॉर्डर, आप देख रहे हैं यहाँ दुकानों में सामान मिल रहा है, आप लोग यहीं से कुछ नाश्ता पानी ले लें, साथ में कुछ पैकिंग वैकिंग जैसे ले लिया है ये केक का पैकेट, और वो विकास के कोल्ड ड्रिंक दिख रही होंगी, जो देखिए विकास ने कोल्ड ड्रिंक लिया है। तो यहाँ से आप कुछ भी खरीद लें बॉर्डर पे खाने के लिए, वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, जो आप ये छोटे मोटे मार्केट से ले लें। जैसे कि हम इस दुकान में जा रहे हैं बीकानेरी स्वीट्स में कुछ लेने के लिए, अभी देखते हैं हम यहाँ क्या क्या मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ बॉर्डर पर भी कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही है जो कि आप देख सकते हैं, पफ वगैरह आप नाश्ते में ले सकते हैं कुछ इस तरीके से, ऑनलाइन पेमेंट भी कर। और हम लोग इसी शॉप में आए हुए हैं अभी लेने के लिए, अभी पूछते हैं आपके पास क्या क्या है भैया, ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी, सब हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मालू सेठ, मालू हुसैन के पास हम आए हैं अभी लेने के लिए, आप देख सकते हैं। और यहीं से अभी कुछ खरीदेंगे और इन्हीं से पूछते हैं बॉर्डर, भैया जाना कैसे है यहाँ से वाघा बॉर्डर? 5 बजे। यहाँ से कितना किलोमीटर है? पैदल पैदल जा सकते, सीधा ये रास्ता जाएगा पैदल पैदल, और मेन रोड से सीधा सीधा जाओ, 4 बजे प्रोग्राम स्टार्ट होता है। अभी जितना जल्दी गए उतना जल्दी सीट मिल जाएगा आगे का, 1 बजे से पब्लिक का आना शुरू हो जाता है। तो आप इनकी दुकान देख सकते हैं, तो इनकी दुकान सामने शीशे भी लगे हुए हैं दुकानों में कुछ इस तरीके से। और ये एरिया का नाम क्या है? अटारी। ये एरिया का नाम अटारी बॉर्डर है, जो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की बनी हुई है। और ये हमारे मालू भैया राजस्थान से हैं, जो यहाँ व्यापार लेके बैठे हैं, स्वीट्स बेच रहे हैं राजस्थान का।
ये देखो आप, तरह तरह की मिठाइयाँ हैं इनके पास, केक भी हैं आप देख सकते हैं, पफ वगैरह सब कुछ मिलेगा, नमकीन वमकीन लड्डू वड्डू सब मिल रहा है इनकी दुकान पे, ये मठरी वठरी भी कुछ इस तरीके से, और ऑनलाइन पेमेंट भी लेते हैं, बारकोड रखा हुआ है अमेज़ॉन पे गूगल पे का। ये आप देख सकते हैं सैंडविच चॉकलेट्स कैडबरी डेयरी मिल्क सब कुछ मिलेगा यहाँ इनकी दुकान पे। ये समोसे हैं और ये पफ है, पफ है, और हम अभी समोसे लेंगे इनके पास से, समोसे लेंगे और हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी लेंगे है इनके पास समोसे, और उसके बाद हम यहाँ से सब पार्सल पैक करके निकलेंगे सीधा बॉर्डर पर। और हमने यहीं से ले लिया है और कुछ यहाँ नाश्ता भी कर लिया और अभी मूवी पहुँच ले रहे हैं खाने के लिए, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अभी इनका पार्सल भी आ रहा है यहाँ, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का पड़ा है, ये पहले से पार्सल और डाल के भी चला गया जहाँ हमको बस ने छोड़ी। और ये सीधा रास्ता 2 किलोमीटर यहाँ से बॉर्डर है, आप वॉक करके भी जा सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि आप बस जैसे उतरेंगे बस से, तो उसके बाद आप क्या करो, रिक्शा खड़ा है टैक्सी ऑटो रिक्शा या साइकिल रिक्शा वो भी करके आप जा सकते हैं, और उनसे रेट करें, बार्गेनिंग करें, वो कुछ भी रेट बोलते हैं। या तो आप फिर आप पैदल भी जा सकते हैं घूमते घूमते 2 किलोमीटर, क्योंकि बॉर्डर पर जो भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो दोपहर में 1 बजे, बॉर्डर का जो प्रोग्राम है वो दोपहर में 1 बजे से स्टार्ट होता है, और मेन प्रोग्राम 3-4 बजे चलता है और जो कि रात में ख़त्म होता है। और जल्दी आप जाओगे तो आपको आगे सीट मिलेगी, बस यही फ़ायदा है, और लेट जाने से आपको सीट आगे नहीं मिलेगी, आपको पीछे बैठना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग जल्दी आ गए हैं और हमने ले लिया है, ये देखो पार्सल विकास के हाथ में आपको दिख रहा है, पूरा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इसमें स्नैक्स हमने ले लिया, आप स्नैक्स हाथ में लेके जाए, बॉर्डर पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और आप ले जाने का बिल्कुल स्ट्रेट यही रास्ता 2 किलोमीटर तक पकड़ के जाए, अब आपको बॉर्डर पर पहुँच के बताएंगे वहाँ क्या होता है। बॉर्डर जाएंगे क्या? हम यहाँ बॉर्डर की लिफ्ट मांगते हुए, यहाँ पे हम बॉर्डर के लिए लिफ्ट मांगते हुए बॉर्डर जाएंगे, लेकिन कोई बॉर्डर नहीं जा रहा है। एक्चुअली बॉर्डर यहाँ के लोग जाते हैं, वहाँ पे बॉर्डर के उस पार भी जाते हैं, परमिशन है उनको पंजाबी लोगों को यहाँ पाकिस्तान जाने की, वहाँ पर उनकी खेती वगैरह सब कुछ है, वहाँ वो जाते हैं अपना अभी, लेकिन कोई नहीं जा रहा है, हमको कोई लिफ्ट नहीं मिल रही है। हम हिचहाइकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई लिफ्ट नहीं मिल पा रही है, तो देखो आप बताते हैं। ये कोई स्कूल या कुछ रेस्टोरेंट है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आई थिंक ये रेस्टोरेंट ही है। और हम बिल्कुल बॉर्डर के करीब आ गए हैं, और अटारी बॉर्डर का रेलवे स्टेशन भी सामने ही नज़र आ रहा है आपको, अभी दिखाते हैं रेलवे स्टेशन भी अटारी बॉर्डर का हिंदुस्तान पाकिस्तान। ये कोई मूवी में दिखाया गया था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है, बजरंगी भाईजान में, ब्रदर्स में, गदर में दिखाया गया था, विकास बता रहा है गदर में। मैं भी आपको अटारी बॉर्डर का बोर्ड भी दिखाऊंगा, और मैं बिल्कुल बोर्ड के करीब भी आ गया हूँ। क्या अटारी बॉर्डर गदर मूवी में जो दिखाया गया था, ये अटारी बॉर्डर का भाई, ये बॉर्डर के बिल्कुल करीब आपका भाई पाकिस्तान जा रहा है। जय श्री राम। क्रॉस करते हुए पैदल वॉकिंग डिस्टेंस से हम बॉर्डर को क्रॉस, आप देख सकते हैं बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस से मैंने बॉर्डर को क्रॉस कर दिया, और अब हम पाकिस्तान की साइड में आ चुके हैं, और यहाँ से अभी भी कुछ दूर पर बचा हुआ है पाकिस्तान, जो कि हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर है। अभी यहाँ हम घूम सकते हैं, हमारे मोबाइल में नेटवर्क भी आ रहे हैं वेलकम टू पाकिस्तान के, इंटरनेशनल रोमिंग चालू हो गया है हमारा, और वेलकम टू पाकिस्तान बता रहा है हमारे मोबाइल में। और देखो बॉर्डर का बोर्ड जो आपको दिखाया था वो बिल्कुल मेरे पीछे दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा वही है, आप आइए आगे का नज़ारा देखते हैं। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद कुछ इस तरीके से कुछ कंपाउंड बना हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का है, और ये सामने कुछ ऐसा रोड बना हुआ है, और वो विकास मुझसे काफ़ी आगे निकल गया है, 100 मीटर आगे, पीछे ही हूँ और आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। पीछे इंडिया रह गया है, हम पाकिस्तान की सड़कों पर चल रहे हैं यहाँ अटारी बॉर्डर क्रॉस करके, आप देख सकते हैं पाकिस्तान का नज़ारा कैसा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मिट्टी में कोई फ़र्क नहीं है, सेम है, क्योंकि देश भी सेम था, वो तो ज़बरदस्ती जिन्ना और नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था इसलिए अलग किया गया था, बाकी मिट्टी तो एक ही है दोनों देश की, आपस में हम सब एक हैं, बस पॉलिटिशियन मुद्दों के कारण अलग है। चलो पॉलिटिक्स को हटाओ, हम अपनी बात करते हैं, हम तो घूमने आए हैं, आप देख सकते हैं आगे पुलिस भी लगी हुई है, इंडियन पुलिस,
ये आप देख सकते हैं पुलिस का चेक पोस्ट है, और अब हम इस चेक पोस्ट को क्रॉस करेंगे। और इस चेक पोस्ट को क्रॉस करते हुए आप देख सकते हैं यहाँ से इंडिया पाक बॉर्डर का बोर्ड भी दिख रहा है। यहाँ से लाहौर 24 किलोमीटर है और इस्लामाबाद 322 किलोमीटर है। ये आप देख सकते हैं इस्लामाबाद 322 किलोमीटर और लाहौर आपको दिख रहा है 24 किलोमीटर। और ये आपका भाई बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर, आप देख सकते हैं पाकिस्तान का हिस्सा है। आपको बाइक पर लिफ्ट मिल गई है पाकिस्तान बॉर्डर पर, बिल्कुल ऐसे ही आप बाइक पर जा रहे हैं। आप इसको आप लिफ्ट भी बोल सकते हैं। और अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है बॉर्डर के, पाकिस्तान का नज़ारा देखिए आप। लाहौर यहाँ से 24 किलोमीटर है बस, देखिए आप नज़ारा किस तरीके से है। ठंडी बहुत है यहाँ, यहाँ ठंडी बहुत है यार, जैकेट वैकेट अपना पहन के आइए। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से चेक पोस्ट लगा हुआ है। और हाँ थैंक यू, और हम आ गए हैं कुछ इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, और यहाँ से लाहौर सिर्फ 23 किलोमीटर बचा हुआ है, और 1 किलोमीटर अंदर हमको और जाना है, हम पाकिस्तान में आ जाएंगे। और वैसे भी हम अभी पाकिस्तान के गांव में प्रॉपर लाहौर शहर में आ जाएंगे हम 1 किलोमीटर के बाद। ये चेक पोस्ट है इंडियन आर्मी का, और मेरे पीछे आपको जो दिख रहा है वो इंडिया का बॉर्डर है। और अभी हम पाकिस्तान के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ LOC कारगिल है, और आगे अभी BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ इंडिया का आपको एक चेक पोस्ट और लगेगा। आप देख सकते हैं हम पैदल घूम रहे हैं स्थानों की सड़कों पर, वो भी खुलेआम, कोई यहाँ कुछ नहीं कर रहा है हमारा, क्योंकि हमारे साथ इंडियन आर्मी के जवान हैं। BSF और इंडियन आर्मी का चेक पोस्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। यहीं से आपको पासपोर्ट दिखाकर अपना और परमिशन और वीज़ा दिखाकर आपको लाहौर में एंट्री मिलती है। बस इसी के अंदर ही आपको इंडिया का झंडा दिख रहा है, यहीं से अंदर से आपको जाना है लाहौर में एंट्री। वीज़ा होना कंपलसरी है और पासपोर्ट होना, और आपके साथ इंडियन आर्मी और BSF के जवान जाएंगे, और आप अंदर जाने के बाद पाकिस्तान आर्मी के अंडर में हो जाएंगे, आगे लेकर जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं हमने चेक पोस्ट पार कर लिया है, हमारे पीछे चेक पोस्ट है इंडियन आर्मी का, और अब हम पाकिस्तानों की सड़कों पर घूम रहे हैं। और ये कोको कोला भी बिक रहा है, और ये पाकिस्तानी आर्मी है इंडियन आर्मी का, आपको कैम्प नज़र आ रहा होगा, और सामने आपको गेट भी नज़र आ रहा होगा। अभी सामने चल के दिखाता हूँ मैं आपको। और जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है उस पर इंडियन आर्मी का फ्लैग है, सॉरी इंडियन, हमारे इंडिया का फ्लैग है। और ये इंडियन आर्मी के और BSF के क्वार्टर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होते हैं, यहाँ से ही हमको वीज़ा परमिशन लेकर लाहौर पाकिस्तान में एंट्री मिलती है। बिल्कुल हम लाहौर की सड़कों पर ही चल रहे हैं, बस यहाँ पर बॉर्डर पर हमारे इंडियन आर्मी का और आप बोलो तो चेक पोस्ट है, और प्लस में आपको वो भी मिलेगा यहाँ पर इमिग्रेशन काउंटर। आप यहाँ से बाय रोड जा सकते हैं, आप देख सकते हैं सामने BOP का बोर्ड आ गया है। ये BOP कॉलोनी है, सॉरी बी कॉय है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम पहुंच गए हैं बॉर्डर पर। बॉर्डर पर भी कब्जा हमारे इंडियन आर्मी का ही है। ये आप देख सकते हैं अटारी का बॉर्डर का कुछ इस प्रकार से है। हम आ गए हैं यहाँ, आपको नज़र आ रहा होगा ये गेट है बॉर्डर का कुछ इस तरीके से। और ये बॉर्डर के अंदर जाते हुए हम लोग बॉर्डर के अंदर जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आर्मी सिक्योरिटी के अंदर। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये टॉयलेट है जेंट्स और लेडीज़ के लिए बना हुआ। और अब हम अंदर एंट्री लेते हुए गेट देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। हम यहाँ से एंट्री ले रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही। और अभी तुम्हारा भाई फुल मज़ा कर रहा है तुम लोग के राज में, बस ऐसे ही तुम्हारा आशीर्वाद बना के रखो भाई के ऊपर, भाई पूरा हिंदुस्तान का पूरा वर्ल्ड घूमेगा अभी। और यहाँ सब बैठे हुए हैं कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अंदर आने के बाद वाघा बॉर्डर है ये, यहाँ पर अंदर आने के बाद कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और जैसे हम वाघा बॉर्डर के अंदर अपनी सैर करते हुए
और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक अलाउड नहीं है, आपको बता दूँ। पानी आप ले जा सकते हैं, खाने का आइटम ले जा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक अलाउड नहीं है। तो हमने कोल्ड ड्रिंक लिया हुआ है, वो हम अभी पी लेंगे। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं सीमा हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, जो कि जिन्ना ने बंटवा दी थी, और हम मज़ा करते हुए। और आप आके इंडिया का फ्लैग आपके फेस पे बनवा सकते हैं, जो कि हमारे भाई लोग बनाते हैं, यहाँ पर सभी लोग बैठ के बनाते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है पार्किंग एरिया, यहाँ पे आप अपनी गाड़ी बाइक पार्क कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और विकास को भी बनाया जा रहा है इंडिया का फ्लैग कुछ इस तरीके से, वेरी गुड। और हमने भी ऐसा कुछ इंडिया का फ्लैग बनवा लिया है फेस पर, आप देख सकते हैं दोनों ने, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंडिया का फ्लैग यहाँ बना के देते हैं फेस पर, आप लोग भी बनवा सकते हैं। और मेरे पीछे जो भी आपको दिखाई दे रहा है सब पार्किंग, और ये हमारे भाई लोग हैं सब जो फ्लैग बना के देते हैं। सब अपना अपना नाम बताएंगे अभी। जितेंद्र, हरमन, और आप आए इन लोगों से भी फ्लैग बनवाए आपका। और ये दोनों भाई नाम बोल दो अपना अपना नाम। मेरा नाम सन्नी शर्मा। सन्नी शर्मा, यस सर। रॉबर्ट, सुपर रॉबर्ट, स्टीफन रॉबर्ट, स्टीफन रॉबर्ट, मेरे को लगा सुपरमैन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ स्नैक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक भी आपको मिलेगी पीने खाने के लिए, लेकिन आप कोल्ड ड्रिंक अंदर नहीं लेके जा सकते हैं, स्नैक्स लेके जा सकते हैं मेरी माने तो, आप कोल्ड ड्रिंक यहीं पी ले और स्नैक्स अंदर लेके जा सकते हैं खाने। बाकी मेरी एक बात माने तो आप घर से ही सामान अपना लेके आए, रास्ते से अपने जहाँ से भी आए। और हम बिल्कुल पहुँच चुके, दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से है, आप ऊपर आपको लेके चलता हूँ। और जो सामने आपको नज़र आ रहा है यह है वाघा बॉर्डर, और वो पाकिस्तान का फ्लैग नज़र आ रहा है आपको सामने, ये पाकिस्तान का फ्लैग, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर इंडिया का फ्लैग भी मिल रहा है, आप देख सकते हैं इंडिया का फ्लैग भी मिल रहा है। और सामने ये रेस्टोरेंट है, शाही क्विला रेस्टोरेंट, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, आपको आप देख सकते हैं ये। यहाँ पर विकास हमारा चाय पीते हुए, चाय का कप लेते हुए, जो कि आप देख रहे हैं। इस तरीके से यहाँ शॉप्स लगी हुई है, आप देख सकते हैं इंडिया का फ्लैग वगैरह मिल रहा है, जो आप मन करे वो आप ले सकते हैं, चाय कॉफ़ी मज़ा कर सकते हैं।